आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, बस दिल नहीं चाह रहा था। बच्चे खेल रहे हैं, जैसे मोर का पर होता है उस टाइप का थोड़ा लग रहा है इसमें ना। क्रश अलीना को नींद आ रही है, तो अशलीना ऐसे ही पूरे रूम में लेट गई है। रात हो गई है, तकरीबन 7 बज रहे हैं। 3 अशलीना के हैं और 1 अंशरा का है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अंशरा के लिए लेके आई थी और अशलीना के लिए नहीं लाई थी। तो इतने बड़े साइज के लेमन है, ये देख रहे हैं आप लोगों की जुबान में इसको क्या कहते हैं। शौक चढ़ रहा है बहुत। फिश भी रखी हुई, कितने सारे फिश है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बच्चे देखें खेल रहे हैं। आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, बस दिल नहीं चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। और यहाँ पर बच्चों की लड़ाई हो रही है टॉयज में आपस में। लड़ाई नहीं करें बेटा, मिल के खेलें। आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम किस कदर का फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक हर चीज़ फैला के रखी हुई है बच्चों ने। और ये देखें बच्चे खेल रहे हैं। और मैं गई थी आज मंडे बाज़ार, थोड़ी सब्ज़ी लाई हूँ, फ्रूट लाई हूँ और सूट लाई हूँ अपने लिए। अच्छा मिल रहा था, लीलन का सूट है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं अपने लिए ले लेती हूँ एक सूट, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें ये जो है फैब्रिक जो है लीलन है, और ये इसका शलवार का कपड़ा है और ये इसकी शर्ट है। तो ये मैं वन इस तरह का प्रिंट में इसलिए लाई हूँ, इसमें बहुत सारे प्रिंट थे, छोटा प्रिंट भी था, बड़ा प्रिंट भी था, फ्लावर्स भी थे, लंबी लाइनिंग सब बहुत सारे प्रिंट थे। ये मैंने इसलिए लिया है कि ये थोड़ा सा ना जैसे मोर का पर होता है उस टाइप का थोड़ा लग रहा है इसमें ना, कलर भी बहुत प्यारा है। तो मुझे इसकी बनानी है फ्रॉक, जो कि अभी ट्रेंड में है, तो वो फ्रॉक बनानी है, इसलिए मैं ये वाला डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट किया। और लीलन पहले बहुत मोटी आती थी, अभी भी है तो ये लीलन ही, लेकिन ये बहुत हल्की वाली लीलन है, हल्का कपड़ा है थोड़ा। ये देख रहे हैं आप लोग, आर पार दिख रही है मेरी फिंगर, पहले ऐसा नज़र नहीं आता था। और जो है ये ट्राउज़र का है, ट्राउज़र भी आप देख सकते हैं कितना हल्का कपड़ा है। उन्होंने बोला है दुल के गफ हो जाएगा, तो इसको मैं शीलिंग करके देखूंगी, अगर हो गया गफ तो अच्छी बात है। और ये पीछे मेरे बच्चों के शोर की आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं। और बच्चों के लिए ये टाइट्स लेकर आई हूँ, ब्लू कलर, अंशरा का है ना ये, ब्लू जी अंशरा का है, और ये पीच कलर का अशलीना का है, और ब्राउन भी अशलीना का है, और ये ब्लैक है, ये ट्राउज़र नहीं है, ये ट्राउज़र है ब्लैक वाला, लूज पैंचो वाला, और ये टाइट्स हैं। ये जो है 3 अशलीना के हैं और 1 अंशरा का है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अंशरा के लिए लेके आई थी और अशलीना के लिए नहीं लाई थी। और अभी वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चे शॉर्ट नहीं पहनती हैं, इनको थोड़ा ठंडा मौसम लगता है, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ बच्चों के पहनने के लिए। A few inches later, मोहम्मद अरान और अंशरा की तो बहस चल रही है चीज़ों में, और अशलीना को नींद आ रही है, तो अशलीना ऐसे ही पूरे रूम में लेट गई है। Oh my God! तो और हमने दोपहर में क्या खाया, अभी जो है शाम रात हो गई है, तकरीबन 7 बज रहे हैं। हमने दोपहर में खाया था कढ़ाई गोश्त, कढ़ाई रखी हुई थी तो मैंने निकाल के गरम कर ली, और अभी हम खाने वाले हैं, रखी तो कढ़ाई है लेकिन कढ़ाई नहीं खाएंगे, फ़िश भी रखी हुई है जो मैंने फ़िश बनाई थी, तो अभी बस यही दोनों चीज़ें खाएंगे, फ़िश और कढ़ाई। तो चलें जी किचन में चलते हैं, फ़िश भी गरम कर लेते हैं और कढ़ाई भी। 2000 years later. ये देखें आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, लेमन देखें शलीना, कोई इतने बड़े साइज के लेमन है, ये देख रहे हैं आप। हाँ जी, लीमू भी होता है और लेमन भी होता है, ये देख रहे हैं आप लोग। मैंने तो उससे बकायदा इसको कट करवाया है, इस इतना बड़ा भी था, एक इतना बड़ा मैंने कट करवा के हाथ में थोड़ा सा स्क्वीज किया
टेस्ट किया मैंने, कहा नहीं ये लेमन नहीं लग रहे मुझे, मीठे लग रहे हैं। तो फिर वाकई ये लेमन थे, और आप लोग साइज़ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े लेमन है, ज़बरदस्त हो गया। और ये लाई हूँ मैं कोकम्बर, ये लिए मैंने कोकम्बर, मोहम्मद अरान को, अशलीना को, अंशरा को, सबको ही पसंद है। और कैरेट ली है, मैंने बोला भी था कि छोटी छोटी दीजिएगा बच्चों को खाने के लिए, और उन्होंने देखो पकाने वाली कैरेट दे दी, अब मुझे ही पकानी पड़ेंगी। अगर टेस्ट में मीठी हुई तो फिर मैं बच्चों को खिला दूँगी। और शलजम लेकर आई थी, शलजम गोश्त के साथ बनाऊँगी, शलजम गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। पालक नहीं मिली मुझे, पालक अच्छी नहीं थी, ख़राब पत्तों वाली थी, ये देखो कितनी ख़राब दी है। क्या करें, थोड़ी दूर बैठे हुए होते हैं ना तो हम ले नहीं सकते, करीब करीब कोई वो होते हैं ना जो ठेले वाले होते हैं वो सही मिल जाते हैं उनसे। और ये एप्पल लिए जूस के लिए, वो उन्होंने ही बोला था ये इससे ना ये जूसी वाले हैं, इसके ना जूस बहुत मज़े का निकलेगा, तो बच्चों को एप्पल का जूस पिलाना है। ये एप्पल लिए हैं, और बस थोड़ा थोड़ा ही सामान लाई हूँ क्योंकि बच्चे इतना खाते पीते नहीं है, फिर रखा रहता है। और ये लिए हैं हम लोग, हाँ मेरी मोस्ट फेवरेट, जो मेरी मेरा फेवरेट जो है ये, मैं इसको बोलती हूँ सिंगाड़े। आप लोग बताइएगा मेरे सब देखने वालों के आप लोगों की ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, इसको कच्चा भी खाते हैं और ज़्यादा मज़े का ये जो है बॉईल करके लगता है, तो मुझे ये बॉईल करके ज़्यादा पसंद है, मैं इसको बॉईल करके खाती हूँ। तो ये हो गई मेरी सब्ज़ी और फ्रूट्स की कलेक्शन। बस आज शॉपिंग डे था तो वो ही किया है, और बच्चों ने जो है नए थर्मोस निकाले हैं, ये इनसे इनका दिल भर चुका है। तो ये अंशरा का थर्मोस है, रॉकेट डिज़ाइन बना हुआ है, वॉश में कर देती। और ये अशलीना का थर्मोस है न्यू, अशलीना का है, पहले ये पिंक वाला था और अंशरा का ऐसे ही पर्पल है, तो अंशरा ने अब ये पिंक लिया है। और ये अशलीना का है, बहुत ही क्यूट सा बना हुआ है, ये देखें इस तरीके से खुलता है। तो एक मिनट में खोलते हूँ मैं, ये अशलीना वॉश कर रही है, नल थोड़ा स्लो खोले बेटा, ये अशलीना वॉश कर रही है, इनको जो है शौक चढ़ रहा है बहुत काम करने का। नल हल्का करें बेटा, वो वैसे टूट गया है, नल चेंज करवाना है, स्लो करें। और यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ये देखिए हमारी चटनी भी रखी हुई है, और ये फिश भी रखी हुई है, कितनी सारी फिश है, बच्चे और मैं आराम से खा लेंगे। और कढ़ाई भी रखी हुई है, तो बस अभी सालन है तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं पका रही हूँ, वरना मैं लाजमी पकाती हूँ। तो चलें पहले मैं फ़िश जो है हल्की आंच में गरम करने रख देती हूँ, और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। मैं कर दूँगी, आप छोड़ दें बेटा, मैं कर दूँगी। रोटी बना चुकी हूँ और फ़िश गरम कर चुकी हूँ मैं, और वहाँ पर लगा दिया है बच्चों ने खाना, तो चलें बस खाना खाते हैं। और मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी, इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रखें, खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, प्यार बांटें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करें। मोहम्मद अरान आप भी अल्लाह हाफिज़ करें।